Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to start indices and laws of indices ka basic aur uske example. Dekhiye hame yahan 5 times given hai. 1 2 3 4 5 2 hamara 5 times given hai. To use hum 2 to the power 5 likhenge. यहाँ जो 2 है उसे हम बेस कहेंगे और जो पावर है उसे हम इंडेक्स कहेंगे और ये जो पूरा 2 टू द पावर 5 है उसे हम इंडेक्स फॉर्म ऑफ द नंबर कहेंगे. चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं. यहाँ देखिए 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो ये जो हमारा 3 हुआ ये हो गया बेस और जो ये पावर हुआ वो हो गया इंडेक्स और ये 3 टू द पावर 3 दोनों मिला के हो गया इंडेक्स फॉर्म ऑफ द नंबर. चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं. 5 into 5 मीन्स 5 2 टाइम्स है मीन्स 5 स्क्वायर, तो ये 5 हुआ हमारा बेस और 2 हुआ हमारा इंडेक्स और ये दोनों मिला के हो गया इंडेक्स फॉर्म. तो चलिए अब इसके लॉज ऑफ इंडाइसेस लेंगे. इसके लॉज लेंगे, नंबर 1, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन. बेस है हमारा दोनों का सेम, बेस हमारा ए है और जो ये इंडेक्स है यहाँ एम है और यहाँ एन है और दोनों के बीच में इंटू का साइन है. अगर बेस सेम रहा और उसके बीच में इंटू का साइन रहा तो जो इंडेक्स है वो हो जाएगा प्लस. इजी मेथड से अगर ध्यान में रखे तो इंटू का साइन रहा तो प्लस करने का और डिवाइड का साइन रहा तो माइनस करने का. ये हमारे है 2 लॉज ऑफ इंडाइसेस. अब ये जो एम और एन जिसे हम इंडेक्स कह रहे थे, यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है, इफ एम एन एन आर इंटीजर. इंटीजर यानी वो नंबर हो सकता पॉजिटिव भी नंबर हो सकते या तो फिर नेगेटिव भी नंबर हो सकते. तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं. 3 to the power 5 इंटू 3 to the power 2. तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए यहाँ बेस क्या है और इंडेक्स क्या है. यहाँ हमारा बेस है 3 और इंडेक्स है 5 और 2 और दोनों के बीच में साइन है इंटू का. तो सॉल्यूशन में हमारा हो जाएगा बेस एज इट इज, ये जो पावर था यानी इंडेक्स था इंडेक्स को प्लस करेंगे. प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि इंटू का साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है. 3 एज इट इज, 5 प्लस 2 आंसर आ गया 7 यानी 3 to the power 7. चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं. 5 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 9. बेस दोनों में इक्वल है और दोनों के बीच में इंटू का साइन है. फिर से 5 एज इट इज, जो इंडेक्स है जो पावर है दोनों को प्लस करेंगे. प्लस क्यों किया, क्योंकि दोनों के बीच में इंटू का साइन है. 4 और 9 को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30. चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं. 8 टू द पावर 6 इंटू 8 टू द पावर 4. बेस इक्वल है, 8 एज इट इज, 6 और 4 को प्लस करेंगे. प्लस क्यों, क्योंकि वहां पे इंटू का साइन है. प्लस करने के बाद में आंसर आ जाएगा 8 to the power 10. चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं. 3 to the power 9, अब डिवाइड का साइन है और 3 to the power 6 और हमारा डिवाइड का रूल है, अगर डिवाइड है तो माइनस. 3 वन टाइम एज इट इज, जो इंडेक्स है 9 और 6 दोनों को हम माइनस करेंगे. माइनस करने के बाद में आंसर आ जाएगा 3 उसका पावर 3. ये हो गया 3 to the power 3. ये हमारा है इंडेक्स. ये हमारा पार्ट 1 था. इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे. ओके, थैंक यू.